नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मोटिवेशनल वीडियो का असर लंबे समय तक क्यों नहीं रहता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, आप इस तरीके के वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ही चैनल से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है कि हाउ टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए। कभी कभी लगता है कि एग्ज़ाम को टॉप कर जाएंगे और कभी कभी लगता है कि ग्रुप डी की मिल जाए वही बहुत है। दोस्तों, ये बात तो है, जब हम रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें अंदर से ये कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ भाई, अब ये परीक्षा जो है वो निकल जाएगी। मगर वही दूसरी तरफ जब हम परिस्थिति देखते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं और कंपटीशन तो हाई है ही, तो लगता है कि ग्रुप डी की भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो कैसे बहुत लो फील करता हूँ, क्या करें। दोस्तों, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, जो खासकर मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, उनमें क्या बताया जाता है, उनमें पहली चीज़ तो ये बताई जाती है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ये चीज़ सुनने में तो अच्छी है, मगर इसे प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो शायद ये इतनी फिजिबल नहीं है। कारण इसका यह है कि जो परिस्थिति उस व्यक्ति के साथ है वो कोई ज़रूरी नहीं है आपके साथ भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, हर किसी की परेशानी अपनी ही तरीके की अलग परेशानी है। और दोस्तों, जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है, वो अपनी सारी कठिनाइयों के बारे में बताता है कि ऐसा ऐसा था, इस वजह से ये सब हुआ, तो वो कठिनाइयाँ आपके पास तो नहीं है ना। और हर किसी पर्सन की अपनी ही अलग प्रॉब्लम बनी हुई है, तो आपको अपने हिसाब से उस जो भी बोल रहा है मोटिवेशनल स्पीकर, उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना होगा। ज़्यादातर ऑडियंस या ज़्यादातर सुनने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसे ज्यों का त्यों कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें काम नहीं करती। कोई भी स्पीकर जो बोल रहा है मोटिवेटर स्पीकर, या जो अपनी आपको कथा सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप उसकी किन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। पूरा एज इट इज़ नहीं करना है, और क्योंकि एज इट इज़ तो सिर्फ उसी के लिए वो कारगर था। हर फार्मूला अलग है दोस्तों, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि किन लोगों पर मोटिवेशनल वीडियो असर ही नहीं करते हैं। मैं आपको चार टाइप के लोग बताने वाला हूँ दोस्तों, चार तरीके के लोग होते हैं। पहले टाइप के लोग कौन हैं, जो कुछ नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि वो कुछ नहीं जानते। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई नहीं समझा सकता, खुद ब्रह्मा भी उतर जाएं तो वो भी सोचेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। वो अपनी परिस्थितियों के प्रति ही अवेयर नहीं है कि भाई क्या करें क्या ना करें, ठीक है, टाइप वन। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस श्रेणी के अंदर ना आएँ। अगर मैं टाइप टू की बात करूँ दोस्तों, तो टाइप टू में ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता, मगर वो इतना जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है आप काम कर सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी काम करेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि वो कम से कम एटलीस्ट इतना जानता है कि भाई मुझे पता नहीं है चीज़ें, मगर मैं सीख लूँगा। मगर जो टाइप वन था वो इसी घमंड में चूर है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता है, ठीक है। अब हम टाइप थ्री पे बात करते हैं दोस्तों। जो टाइप थ्री है, टाइप थ्री वो सब कुछ जानता है, मगर ये नहीं जानता कि वो जानता है। सब कुछ का मतलब ये है कि उसे नॉलेज है, मगर उसे खुद नहीं पता है कि उसे नॉलेज है। तो ऐसे में तो दोस्तों बस एक ट्रिगर काम करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को जीएस की अच्छी नॉलेज है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश कमज़ोर हैं, मगर वो ऐसी परीक्षाएं दे रहा था जिसमें मैथ और इंग्लिश ज़्यादा पूछी जा रही थी, है ना। किसी उसके दोस्त ने या किसी और ने उसे सजेस्ट किया कि भाई एक ऐसी भी परीक्षा है जिसके अंदर जीएस ज़्यादा पूछी जाती है और मैथ और इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप ये वाली छोड़ दो। तो उसने किया और उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब एक तरीके से किसी जानकार व्यक्ति ने उसे बस बताया कि भाई तुम जानते हो, कुछ दिया नहीं उसे, कुछ अलग से टॉनिक नहीं दिया है, सिर्फ उसे बताया है कि आप इस तरीके से अपनी जो भी नॉलेज है उसका प्रयोग करो। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी मोटिवेशनल काम करेगा। अब टाइप फोर जो है दोस्तों, अगर हम चौथे श्रेणी की बात करें, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सब कुछ का मतलब नॉलेज है अच्छी खासी, और ये भी जानता है कि उसे है नॉलेज, घमंड नहीं है,
मगर अवेयर है। तो ऐसे लोग तो आपको पता ही है दोस्तों, टॉपर की श्रेणी में होते हैं जो खुद आत्ममंथन करते हैं। टाइप फोर में आप ये कह सकते हैं कि आत्ममंथन करने वाले व्यक्ति, उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो आकर उन्हें बताए कि तुम ये जानते हो तुम ये नहीं जानते हो। तो अगर आप भी अपना आत्ममंथन करना सीख जाते हैं और चीज़ों को हालात के अकॉर्डिंग जो है ढाल लेते हैं, तो मतलब सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों से आप सेल्फ़ मोटिवेटेड कर पाएंगे। सेल्फ़ मोटिवेशन का ही मतलब यह है दोस्तों कि आप कितने भी बुरे हालात में क्यों ना हो, बस ये देखना चाहिए कि उसमें क्या बेहतर हो सकता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे हालात सही हो जाएँ तब मैं करूँगा, है ना, जब मेरे पास इतना पैसा आएगा कि मैं बहुत ढेर सारी किताबें खरीदूँगा या जब मैं कोचिंग कर लूँगा तब मैं सिलेक्शन होऊंगा। नहीं दोस्तों, आज का समय तो आईटी का समय है, आपके मोबाइल में सब कुछ है। तो बस आपको तो बस अपना मन बनाना है, सब कुछ चीज़ें जो हैं होने लगेंगी। क्योंकि कहा है ना, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अगर चाह ही नहीं है किसी चीज़ के प्रति तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। सेल्फ़ मोटिवेशन के लिए आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।